नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे गद्य की एक गौण विधा जिसका नाम है डायरी। ये एमपी बोर्ड की परीक्षाओं में अधिक रूप से पूछा जाता है। तो हम देखते हैं डायरी किसे कहते हैं। डायरी लेखक की निजी वस्तु होती है। इस विधा में किसी तिथि विशेष में घटित घटनाक्रम अथवा प्रत्येक दिन के क्रियाकलापों को लेखक अपनी संक्षिप्त प्रतिक्रिया या टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करता है। अर्थात दोस्तों, डायरी में क्या होता है, दिन भर में जो भी घटित होता है लेखक के साथ वो अपने डायरी में लिख लेता है, साहित्यिक भाषा में। तो इसकी कुछ विशेषता है। डायरी कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में घटित घटनाओं को लेकर भी लिखी जा सकती है। दूसरा है, क्रमबद्ध रूप से रोजानमचा के रूप में भी लिखी जा सकती है। अर्थात अगर हमें 1 साल की डायरी बनानी है, 5 साल की डायरी बनानी है, तो हम उसके अनुसार भी रोजाना के रूप में लिख सकते हैं इसको। यह स्वतंत्र रूप से भी लिखी जा सकती है, इसमें अन्य गौण विधाओं का समावेश नहीं हो सकता। कहानी, आत्मकथा, उपन्यास या यात्रा वृत्तांत के रूप में भी डायरी लिखी जा सकती है। अर्थात मेरी आत्मकथा के रूप में लिखी जा सकती है, मतलब आज मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं वहां पढ़ता था ऐसा खेलता था। कहानी के रूप में भी लिखी जा सकती है। उपन्यास और यात्रा वृत्तांत, जैसे हम किसी यात्रा का भी उसमें वर्णन कर सकते हैं कि आज मैं यात्रा वहां गया, वहां से इस टाइम चला। तो डायरी क्या होती है, जो लेखक हर दिन के अनुसार अपने जीवन के क्रियाकलापों को नोट करता है काय में, डायरी में, उसे हम क्या कहते हैं, गद्य की गौण विधा डायरी। हिंदी में डायरी विधा का आरंभ करने का श्रेय डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा को जाता है। इनकी डायरी का नाम है मेरी कॉलेज की डायरी, मोहन राकेश की है मोहन राकेश की डायरी, इला चंद जोशी ने भी अपनी डायरी लिखी है। तो उम्मीद है दोस्तों, आज आपको गद्य की विधा डायरी के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी।